हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ डिफेंस। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से नाग ATGM ने यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया विथ लाइव एम्युनेशन, और इसकी टेस्टिंग आज ही सुबह राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में की गई है, और अब ये बिल्कुल रेडी है फॉर इंडक्शन इन आर्मी। तो चलिए पहले इस ATGM के कैरियर की बात करते हैं, यानी नामिका की। तो नामिका एक 14.5 टन का कॉम्बैट व्हीकल है, और इसका मिशन है टैंक डिस्ट्रॉय करना। ये इक्विप्ड है थर्मल इमेजर एंड लेज़र रेंज फाइंडर से फॉर टारगेट एक्विजिशन। ये एक बार में 12 ATGMs को कैरी करता है। इसमें 8 होती हैं लोडेड और 4 इन स्टोरेज। इसमें फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है FDSS, और साथ में न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन सिस्टम NBCPS, यानी इन सब से ये बचा रहता है। तो ये तो बात थी नामिका की, यानी कैरियर की। अब हम बात करेंगे नाग मिसाइल की। नाग ATGM एक फायर एंड फगेट ATGM है विथ टैंडम हीट वॉरहेड, और इसके बदौलत ये आर्मर्ड प्लेटिंग को भेदता हुआ टैंक को डिस्ट्रॉय करता है। इसकी रेंज 4 से 7 किलोमीटर के बीच की है, और सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी तकरीबन 90% होती है, जो बहुत अच्छी है, और शेल्फ लाइफ 10 ईयर्स की होती है, मेंटेनेंस फ्री। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत अच्छा है, और DRDO और उसकी सब एजेंसियों को बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए कि अब जो नाग ATGM है वो इंडक्शन के लिए रेडी है आर्मी में। वैसी खबर तो ये है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो अक्टूबर में ही शुरू हो चुका था, और ये इसकी फाइनल टेस्टिंग थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।